जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नौ दूता अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षूर्ण मिलितम येन तस्मे श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिदीदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ कर्ता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडर मजी द्वारा विवेचित श्रोता रह सावधान थया श्रणवंतु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम जैन रमानाम जैनम जयतु शासनम नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान तरे चिदे मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते यही भाव विचिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत जय बोलो देव शास्त्र गुरु की मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरे अधिकार संसार अवस्था के स्वरूप पर अपनी चर्चा चल रही है। अभी तक इस अधिकार में हम ये बात समझ चुके हैं कि इस जीव को अनादि से कर्म का बंध है। और यह कर्म के बंध के कारण दुखी है। कर्म के बंध से छूटना यही इसका कर्तव्य है और यही इसका परम हित है। इतनी बातें स्पष्ट होने के पश्चात शिष्य के चित्त में एक प्रश्न खड़ा है कि जो कर्म है वह तो है मूर्तिक और आत्मा है अमूर्तिक, तो अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्म के साथ बंध कैसे हो गया। शिष्य के चित्त में जो प्रश्न क्या है कि अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्म के साथ बंध कैसे हो गया, है ना। मूर्तिक का तो बंध हमारे समझ में आता है क्योंकि दोनों मूर्तिक जिनमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाए, जिसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण पाया जाए,
वह चिकनाहट और रूखेपन के कारण चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। लेकिन एक द्रव्य तो चिकनाहट रहित है और एक चिकनाहट के सहित है, उन दोनों में चिपकान यानी बंध कैसे हुआ? तो टोडरमली साहब कहते हैं कि यहां इस प्रकार का बंध है नहीं। किस प्रकार का बंध है नहीं कि जिस प्रकार का बंध आप मान रहे हो। तो किस प्रकार का बंध है कि यहां इस प्रकार का बंध है कि आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश एक क्षेत्र में रहते हैं। किस प्रकार का बंध है? आत्मा के प्रदेश का और कर्म के प्रदेश का एक क्षेत्र में रहना, ये बंध है। तो मात्र इसी को बंध कहे? बोले नहीं, इसके लिए तीन कंडीशन है। ठीक है, एक तो एक क्षेत्र में रहे, जब तक बंध है तब तक साथ रहे और उनमें कार्य कारणपना बना रहे। तीन बातें हैं बंध के साथ। ये बहुत अपने को बारीकी से, बस ये कर्म फिलोसॉफी समाप्त हो गई, उससे ज्यादा आपको कुछ समझना नहीं है। बस टोडरमली साहब ने डेढ़ पंक्ति में पूरी की पूरी विधि समझा दी। ठीक है, डेढ़ पंक्ति है मात्र अपने को समझने की। ठीक है, पहले नंबर की बात तो अपन समझ गया है ना कि एक क्षेत्र अवगाह में बने हो। पहला नंबर कर्म बंध मतलब आत्मा का कर्म के साथ बंध, पहली कंडीशन है। एक क्षेत्र अवगाह, दूसरा नंबर जब तक बंद है तब तक साथ रहे, बंद है तब तक साथ रहे, और तीसरा नंबर है कार्य कारण बना बना रहे। तो दूसरे शब्दों में समझना चाहो तो आप लिमिट नेमिंग के बस ये कर्म फिलोसॉफी है, इतनी सी है कर्म फिलोसॉफी। समझ में आ गई आपको कर्म फिलोसॉफी कितनी है? बस इतनी सी है। पहले नंबर का ये है कि कर्म का और आत्मा का एक क्षेत्र में रहना, उसको कह दिया बंध। क्या कह दिया? कर्म का और आत्मा का एक क्षेत्र में रहना, वो कह दिया बंद। कर्म कर्म क्या है? कर्म पुद्गल की विशेष अवस्था को कर्म कहते हैं। याद है आपको? पुद्गल द्रव्य की, और अगर नाम याद हो तो कर्मांड वर्गणा की है ना, आप जैसे समस्या को वैसे समझो, उसका नाम है कर्म। उन कर्मों का और आत्मा के प्रदेशों का आकाश के एक क्षेत्र में रह जाना, वो कहलाता बंध। यहां उस प्रकार का बंध नहीं है। किस प्रकार का? कि जैसे पुद्गल के पुद्गल स्कंद से पुद्गल का परमाणु चिपकता है, इस प्रकार का बंध नहीं है। यहां बंध किस प्रकार का है कि एक क्षेत्र में रह जाना। तो मात्र एक क्षेत्र में रह जाने से बंध कहते हैं कि नहीं, उसमें दो कंडीशन और लगेगी। दूसरी कंडीशन यह है कि जब तक बंध हो तब तक साथ रहे। क्या कंडीशन लगेगी? जब तक बंध हो, यानी जब का जैसे कोई भी कर्म का बंध हुआ और उसकी जितनी स्थिति है उतनी समय तक वह आत्मा का प्रदेश कर्म का प्रदेश साथ साथ रहता है। कर्मांड पूरा कर्म ही समझ लो, प्रदेश में तो और कंफ्यूज हो जाओगे। क्या साथ साथ रहता है? कितने समय तक बाबूजी साथ साथ रहता है? वो जितने समय तक की स्थिति लिए मिनिमम, तो उतना समय तो साथ रहना ही है। उससे आगे रहे तो उसको कर्म का बंध नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? तो उसके लिए तीसरी कंडीशन है कि वहां कार्य कारणपना बना रहे, मतलब निमित नैमित्तिक संबंध होना चाहिए। भले ही वो आत्मा के प्रदेश में, आत्मा के प्रदेश और कर्म का जो भाग आकाश के एक प्रदेश में रहे, तो रहने से कर्म बंद हो गया ऐसा नहीं कहते हैं। फिर क्या कंडीशन? कि उसमें निमित नैमित्तिक पना,
कार्य कारणपना बना होना चाहिए। आई बात समझ में? इतनी कंडीशन है, तीन कंडीशन समझ में आ गई आपको? कौन बताएगा भाई समझ में आई कि नहीं आई? फिर अपन आगे इसकी चर्चा करेंगे, निमित्त नैमित्तिक पने की बात है ना। कर्म बंध किसको कहना, कौन बताएगा? पुरुष वर्ग में कर्म का और आत्मा के प्रदेशों का एक क्षेत्र में ठहरना, जब तक स्थिति है तब तक कर्म का उसके साथ रहना और उसमें निमित्त नैमित्तिक पना अनेक कार्य कारण पना बना रहना, इसको कहते हैं बंध, कर्म बंध। ठीक है, आई बात समझ में? कौन बोलेगा आप में से? पुरुष में से कौन बोलेगा, महिला में से कौन बोले? पहले यहां एक शब्द शब्द से उसके भाव को पकड़ना है ना। जैसे अपन आम बोलते हैं तो आम बोलते ही अपने को सब पिक्चर क्लियर हो जाती है ना, हापुस बोलते हैं तो सब पिक्चर क्लियर हो जाती, ऐसे ऐसा भाव भाषण होना चाहिए। कर्म बंध मतलब कैसे कि आत्मा बिल्कुल न्यारा अपने में, कर्म बिल्कुल न्यारा अपने में, दोनों का एक क्षेत्र में रह जाना और दोनों का निमित्त नैमित्तिक पना बना रहना, ये कर्म बंध। बस है क्या उसमें? कौन किसको कराता है? कोई किसको नहीं करता, ये तो टोटल वाले साहब पहले ही कह चुके हैं। ठीक है, कौन बोलेगा आप में से ये तीन बातें? हाँ, एक क्षेत्र में रहना। ठीक है, कब तक रहना? जब तक जितनी स्थिति है उतनी स्थिति तक रहना है ना। देखना, आज बंधा हुआ कर्म अगर आपने 10 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति लेके बांधा है तो वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति तक तो आपके साथ नियम से रहेगा ही। आई बात समझ में? कहीं भी चला जाए है ना ये जीव, लेकिन वो कर्म तो कैसे जाएगा फिर? कर्म और आत्मा एक दूसरे को खींच के ले जाएंगे? नहीं, ये तो अपन कल चर्चा कर चुके हैं ना कि दोनों अपनी अपनी क्रियावती शक्ति से दोनों स्वतंत्र गमन करते हैं। आपके चेहरे से लग रहा है कठिन लग रहा है आपको? कठिन तो नहीं है, सरल है, इसमें क्या है, एकदम सिंपल फिलोसॉफी है। वस्तु स्वतंत्रता बिल्कुल चित्त में स्पष्ट होनी चाहिए, फिर आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। निमित्त नैमित्तिक पना, कार्य कारण पना, ये सब समझ में आ जाएगा, कर्ता कर्म। जब तक आपको द्रव्य की स्वतंत्रता का अगर अंदर में तैयारी नहीं है तो फिर तो गड़बड़ होगी आपको, क्या इधर उधर लग जाएगा। तुक्का लगाते हैं ना, तुक्का। हम जब इंजीनियरिंग की एग्जाम देने जाते थे पहले तो माइनस मार्किंग नहीं थी, एक बार तो क्या हुआ कि भाई कोई किस माइनस मार्किंग नहीं है अजित भैया, तो क्या करना फिर है? चारों में से उत्तर तो हमारे को समझ में आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो फिर किसी एक पे टिक मार दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अगर लग गया तुक्का है? तो ऐसा तुक्का नहीं लगाना आपने, या तुक्का नहीं चलेगा। समझना आप बराबर। ठीक है, किसको कहते हैं कर्म बंध? कौन बताएगा आप में से? अपन कितने 7-8 दिन से एक पैराग्राफ को घोट रहे हैं, पर आपके चेहरे की प्रसन्नता से मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये बात गले उतरेगी। उतर गई क्या सबके? हैं, कुछ समझ में आई तो आगे बढ़े अपन है, क्योंकि क्या आगे देर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो अब एक एक कर्म की बात करेंगे अपन, तो आपको समझ में आनी चाहिए ना कि क्या बात है। बोलो भाई, कौन बताएगा? महिला वर्ग में से बता दो। चलो, जब तक हाँ स्थिति रहती तब तक साथ, हाँ, और उनमें कार्य कारण पन्ना बना रहता है। बराबर, पुरुष में कौन बोलेगा? अजीत, हाँ, जब तक स्थिति है तब तक साथ रहता। ठीक है ना, जब तक स्थिति है तब तक साथ रहना, कब मतलब एक समय को भी नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में? ऐसा नहीं है कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर का जो कर्म बंधा है अभी यहां बंद गया, एक बार आत्मा कहीं से घूम के आ जावे वापस वो उससे चिपक जावे, ऐसा नहीं है। जहां जहां आत्मा जाएगा वहां वहां कर्म अपनी योग्यता से जाएगा, ये वो स्थिति, इसको कहते हैं एक क्षेत्र में रहना। आई बात समझ में? अब इसमें है कार्य कारण पना बना रहना। कार्य कारण पना ये क्या है, थोड़ा सा अपने को इसको समझना है। ये दो चीज तो समझ में आ गई ना, बंद और स्थिति समझ में आ गई ना, है ना। चलो, आप में से एक बार पैराग्राफ पढ़ लो, तीन पंक्तियां जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। जब तक बंधान रहे या उसके पहले, इस बंधान में कोई किसी को करता नहीं है। इस एक पुरुष वर्ग से पढ़े इस पंक्ति को, तीन पंक्तियों को, और फिर एक महिला में से भी पढ़े।
ठीक है, समझ में आ गई ये पंक्ति आपको? कौन महिला में से कौन पढ़ेंगे इसको? देखो अब कितनी स्पष्ट बात टोडर मल्ली साहब ने यहां कह दी, कोई किसी को करता नहीं, ठीक है, लेकिन बंद है तो किस प्रकार का बंद है कि जब तक बंद रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं। कौन नहीं बिछुड़े? आत्मा और कर्म बिछुड़े नहीं। कब तक नहीं बिछुड़े? जब तक बंद साथ रहे। तो अच्छा, नहीं बिछुड़ने से कर्म बंद है? नहीं, एक चीज और है साथ में कि कार्य कारण पना बना रहे, है ना। तीसरी कंडीशन है कि कार्य कारण पना बना रहे। ये क्या कंडीशन है कि ये कार्य कारण पना, इसका दूसरा नाम है यहां निमित्त नैमित्तिक समझो आप। क्या होता है कि जब भी कोई कार्य होता है तो उसका कारण ढूंढा जाता है। क्या? जब कोई भी कार्य होता है तो उसका कारण ढूंढा जाता है कि नहीं जाता, कि किसके कारण हुआ? नहीं, ऐसा होता नहीं है, है ना भाई। बच्चे की शादी कर रहे हैं तो क्यों? कि बच्चा होगा तभी तो शादी होगी ना, बाकी तो इस शादी का आयोजन रखा तो कोई कारण होगा, बिना कारण शादी कैसे होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही इस आत्मा की विकारी दशा और इसके संयोग में रहने वाले जो भी पदार्थ हैं उसका कोई कारण है कि नहीं, ये खोज करनी है। क्या करनी है अपने को? क्या खोज करनी है? क्या? कि तो आत्मा की विकारी दशा और एक है आत्मा के साथ में रहने वाले जो संयोग है ना, इनका कोई कारण है कि नहीं। तो बोले क्या कारण है? तो यहां कहते हैं निमित्त रूप से जो कारण है वो है कर्म, और वस्तु स्वतंत्रता से वो स्वयं द्रव्य। आई बात समझ में? ये दो बात बराबर आपके चित्त में स्पष्ट रहना चाहिए। क्या? निमित्त कारण क्या कहेंगे? वो कर्म है ना। जैसे कमल का सूर्य के प्रकाश में खिल जाना है ना, सूर्य के प्रकाश में मार्ग का दिखना, रात्रि में चकवा चकवी का मिलना है ना, वाटेवर में भी जगत में बहुत सारे उदाहरण है बिछुड़ना ना कि मिलना, बिछुड़ना है ना। तो ये जो कंडीशंस है जो बाहर की, इसमें कोई निमित्त कराता नहीं है, लेकिन उधर का होना और इधर का होना दोनों का एक काल हो जाने को इधर से कारण भी कहते हैं और इधर कार्य भी कहते हैं, इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। आई बात समझ में? पकड़ में आ गई बात है? पकड़ में आ गई बात है? फेफड़ा है ना, अपने शरीर का फेफड़ा, उसका विपरीत रूप परिणमन होना, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, और बाहर में कहेंगे कि बाहर के वातावरण से मेरे को ही गड़बड़ हो गई। किसने कर दी गड़बड़ है? गड़बड़ किसने कर दी है? ये जो है ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसका होना और इसका होना, नहीं उसका होना और इसका होना दोनों का, और अपन उस पर क्या करते हैं, कारण कारण लगाते हैं कि नहीं, कारण आरोपित करते हैं कि नहीं करते हैं? है, शाम को खाना खाया रिसेप्शन में तो वो सब गड़बड़ हो गई है। तो क्या हर बार रिसेप्शन में गड़बड़ होती है आपके? है, तो फिर वो खाना गड़बड़ हो गया तो सबके गड़बड़ हुई क्या? है, अरे कुछ तो समझो आप बात को, है, सबके भी गड़बड़ नहीं हुई और मेरे भी हर बार गड़बड़ नहीं होती है, लेकिन कारण कार्यपना के कारण अपन क्या करते हैं? आरोप करते हैं, ठीक है, उसको तो गिनाते हैं कारण, असल में तो उस रूप का परिणमन स्वतंत्र होता है। इतनी बात अपने को निमित्त नैमित्तिक में समझनी है। ये बहुत मजेदार चीज है, क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे तब तक आपको कर्म फिलोसॉफी समझ में नहीं आएगी। समझ में आ गई कि और उदाहरण दूं मैं आपको कार्य कारण पने का? है, दोनों का एक काल होना, टीचर का पढ़ाना और मेरे समझ में आने का दोनों का एक काल होना। तो हम ये कहते हैं कि टीचर के पढ़ाने से मेरे को समझ में आ गया। अभी आप जाके बोलोगे अरे पहले तो हमने बहुत बार पढ़ा ये पंक्ति तो हमने, लेकिन अब हमारे उस समय समझ में नहीं आई और आज आपने बढ़िया से समझा दी। किसने समझा दी? किसने समझा दी?
अरे वो समझने का काम तो उस द्रव्य ने स्वतंत्र रूप से परिणमन किया है, और उस समय जो समझाने की जो बात थी वो कार्य, लेकिन दोनों का एक काल होने से ऐसा लगता है कि इसके कारण ऐसा हो गया। इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आ गया? तो किस किस के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है? किस किस के बीच में? कर्म के और आत्मा के बीच में। और इस संबंध को यह नाम दिया कार्य कारण पना। अरे उधर दर्शन मोनी का उदय होवे और इस इधर जीव को विपरीत संधान होवे, उधर इसके असाता वेदनी का उदय होवे और इधर बाहर में इसको विपरीत संयोग मिले। आई बात समझ में? उधर उसके आयु कर्म का बंध है तो उतने समय तक ये शरीर के साथ टिका रहे, आपके दिमाग से कुछ नहीं चलेगा। कितने अपने दिमाग से कुछ चलेगा? हजार वर्ष तक कुछ चलेगा? कितने शरीर तक इस खोखे में रहेगा आत्मा है? तो जब तक आयु कर्म, तो आयु कर्म का तो उधर कारण गिनाया, मतलब उधर, और रहने का कार्य इस शरीर में रहने का कार्य आत्मा का ये कार्य गिनाया। इस प्रकार कार्य कारण पना बना रहे, लेकिन आयु कर्म इस आत्मा को पकड़कर रखता है शरीर के साथ, ऐसा है नहीं। आत्मा भी अपनी योग्यता से यहां टिका हुआ है, शरीर भी अपनी योग्यता से टिका हुआ है, और आयु कर्म भी अपनी योग्यता से वहां है, लेकिन उसका उदय होकर क्षय होना और इधर इन दोनों को बिखरना, दोनों का काल सेम हो जाना, इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ गई आपको? क्योंकि यह बात जब तक आपके समझ में नहीं आएगी और तब तक यह वस्तु स्वतंत्रता समझ में नहीं आएगी, और ग्रंथ में निमित्त की अब तरफ से 99% कथन है। अपन उसको निमित्त नहीं समझकर कर्ता कर्म घटाते हैं, सो गड़बड़ी है ना। कार्य कारण पना घटाओ, निमित्त नैमित्त घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ऐसा लगता है कि आयु कर्म ने ही पकड़कर इसको ऐसा कर दिया हो और इसको निकाल दिया हो, ऐसा नहीं। द्रव्य स्वतंत्र है, आत्मा अपनी योग्यता से इस शरीर के अंदर यहां टिका हुआ है, शरीर भी अपनी योग्यता से यहां ठहर रहा है, ठीक है। दोनों का ठहरने का काल अपनी अपनी योग्यता से है। समय होगा तो आत्मा चला जाएगा, शरीर के परमाणु बिखर जाएंगे, उनके भी साथ रहने का प्रत्येक परमाणु का काल निर्धारित है, और इनके बिखरने के समय उधर आयु कर्म का उस रूप बिखरना होना है। ये सब काल एक साथ होने की व्यवस्था को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। उधर आयु क्षय हो गई, इधर जीव चला गया, ऐसा कहते हैं, ठीक है। कजावर साहब समझ में आ गया आपको? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई, चलो अच्छी बात है, आपने कह तो दिया कि नहीं। किसके और किसको समझ में नहीं आई? दो दो एक्टिविटी का सेम काल हो जाना हमेशा, तब आप एक पे कारण लगा सकते हो और एक पे कार्य लगाते हो समझाने के लिए। आई बात समझ में? दो एक्टिविटी है, दो एक्टिविटी है ना, उसका एक काल हो जाना है ना भाई। आज आप बाहर हवा में निकले और टोपी नहीं लगाई और आपको शाम को सर्दी हो गई, क्या क्या हो गया? किसने सर्दी करा दी? बोलो ना। हाँ हाँ जी, हाँ ना जी, है टोपी। तो फिर हमेशा आप टोपी नहीं लगाते तो सर्दी हो जाती है? लेकिन क्या ये जो कार्य कारण बना ना, दो घटना का एक समकाल हो जाना, तो अपन क्या है कि एक पर कारण आरोपित करते हैं। ठीक उसी प्रकार आगम में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध की बहुत चर्चा है, तो अब अपन जो भी चर्चा करेंगे कर्म की, तो आप ये समझना कर्म तो है निमित्त, और इधर जो बताएंगे वो है नैमित्तिक है ना, उसको कारण गिनाएंगे और इधर कार्य गिनाएंगे। लेकिन इसमें इतनी बात अपने को बराबर रखनी है कि एक दूसरे को कुछ करता नहीं है, वहां उसकी अपनी योग्यता से होता है, यहां अपनी उसकी योग्यता से, और दोनों का काम एक साथ हो जाता है, इसलिए कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि ऐसा कभी नहीं होगा क्या कि इधर जीव के भाव हो और उधर उस तरह का कर्म की स्थिति नहीं हो। आई बात समझ? इधर दर्शन मोहनी का उदय है तो इधर मिथ्यात्व है, और इधर सम्यक दर्शन है तो वहां उपशम छह उपशम कुछ ना कुछ होगा। एक बात समझना, आई है ना, ऐसा नहीं होगा कि इधर तो दर्शन मोहनी का उदय चल रहा है नहीं, इधर सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। आई बात समझ? इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये जरूर है कि इस जीव अपनी पुरुषार्थ से उससे नहीं जुड़े, लेकिन नहीं जुड़े वो इस जीव का पुरुषार्थ है, लेकिन इधर यदि सम्यक दर्शन है इसको,
तो इधर उपशम छह, छह उपशम कुछ ना कुछ कर्म का दर्शन होने का होगा 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 ही। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बात समझ में है ना? समझ में आ गई आपके? चले आगे? नहीं समझ में आए तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्योंकि ये पूरा अधिकार इसके आधार से चलेगा, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगी। आपको ये नहीं समझ में आएगी, चले आगे। सो मूर्तिक और अमूर्तिक के इस प्रकार बंधान में कुछ विरोध है नहीं। किस प्रकार का बंधान है मास्टर जी? किस प्रकार का बंधान है कि दोनों एक क्षेत्र में रहते हैं, ये बंधान है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें स्निग्ध और रूक्ष गुण की क्या जरूरत है? वो अपने अपने में रहता है, ये अपने में रहता है, इस बंधन में क्या दिक्कत? तो शिष्य ने प्रश्न पूछा था ना, क्या प्रश्न पूछा था कि साहब मूर्ति का मूर्ति के साथ बंधन कैसे है? तो टोटल मलि साहब कहते हैं कि इस बंधन में क्या प्रॉब्लम है, वो कर्म अपने में है और आत्मा के प्रदेश अपने में है, दोनों एक क्षेत्र में रहते हैं और इनका जब तक उनका बंध है तब तक साथ रहते हैं और इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध बना रहता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस बंधन में तो कोई इसी प्रकार का बंधन है। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? पंक्ति समझ में आ गई ना? कितना कितना सुंदर विवेचन है टोटल मलि साहब का। बोलो, दो पंक्ति में उन्होंने पूरी व्यवस्था को निमित्त नैमित्त की समझा दी। चले आगे बढ़े। मैं तीन पंक्ति फिर से पढ़ देता हूं, आप इसके भाव को भाषण में मतलब लेना, उपयोग में एकाग्र करके क्या कहना चाह रहे हैं, फिर अपन आगे अब एक एक कर्मों की चर्चा करेंगे। तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं, जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनके बना रहे, इतना ही यहां बंधन जानना। सो मूर्ति को और अमूर्ति के इस प्रकार बंधन होने में कुछ विरोध है नहीं। आगे नहीं पंक्तियां सबको समझ में बराबर? चले आगे। इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म संबंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों के जानना। जैसे एक जीव के कर्म का बंध है, इस प्रकार जगत के जितने भी संसारी जीव हैं, सबका भिन्न भिन्न अने एक आत्मा और अनेक कर्मों से, एक आत्मा और अनेक कर्मों से सब ऐसे भिन्न भिन्न बंधे हुए हैं। मैं यहां, मेरे साथ कर्म का बंध न्यारा, आप वहां, आपके साथ कर्म का बंध न्यारा, ये भाई अजित भाई यहां, इनके कर्म का बंध न्यारा, ऐसे संसार में अनंत जीव हैं, उनके सबके अपने बंध न्यारे न्यारे हैं। कैसे? सबके आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश एक क्षेत्र में रहते हैं, उनमें जब तक स्थिति है तब तक बंधे रहते हैं और कार्य कारण पर ना बना रहता है। देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है विश्व की। साहब अब ये रहते हैं साथ में, कार्य कारण बना रहता है, तो किस प्रकार कार्य कारण बना रहता है ये समझाओ आप। तो क्या अजित भैया, किस प्रकार कार्य कारण बना रहता है? तो अब टोटल मलि साहब उसका बेड़ा उठाते हैं कि भाई इनका कार्य कारण पना कैसे बना रहता है। तो जो कर्म बंधे हुए हैं उसमें जाति के आधार से 8 विभाजन करें हैं, और घातियां और अघातियां के आधार से 2 विभाजन करें, है ना? जीव के अनुजीवी गुण और संयोग, उसके आधार से 2 विभाजन करें, उसकी अब यहां आगे चर्चा करी जाएगी। देखो घाती अघाती कर्म और उनका कार्य। ये कर्म कौन से हैं बाबूजी? घाती अघाती कहां? जो अपनी आत्मा के प्रदेश में जब तक बिछुड़े नहीं साथ है ना, उन कर्मों में विभाजन कर रहे हैं अपन। किन कर्मों में विभाजन कर रहे हैं? जो कर्म हमारी आत्मा के प्रदेश के साथ एक क्षेत्र में रह रहे हैं, बिछुड़े नहीं है, और जिनमें कार्य कारण पना बना रहता है, उन कर्मों में विभाजन कर रहे हैं। यहां 2 प्रकार से विभाजन किए हैं, एक घाती और अघाती, और आगे जाके फिर उसमें 8 प्रकार से विभाजन करेंगे, उनको सबको यहां टोटल मलि साहब अभी बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, अब पढ़ते हैं पैराग्राफ। आप में से कौन पढ़ेगा ये पैराग्राफ? देखो नहीं समझ में आए पूछ लेना भाई, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो कठिन है ही, कर्णानियों का विषय है, और आप लोगों का अभ्यास कितना है मैं ये नहीं कह सकता कि कम है कि ज्यादा है, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। Yeah.
ठीक है। अब ये जो पहला पैराग्राफ है यहां चार घातिया कर्मों का बंटवारा किया है, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, वे कर्म, वे कौन से कर्म है, जो हमारे आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवघा स्थिति लिए हुए है और जिनमें कार्य कारण पना बना है, वे कर्म, वो कर्म, उनकी जातियां आठ प्रकार की है, ठीक है। कितनी प्रकार की जातियां हैं, आठ प्रकार की। मैं वापस आपको चित्र बनाता हूं ऐसे इमेज कल्पना के लिए, है ना, है ना। ये तो आत्मा का एक प्रदेश समझ रहा, आकाश का एक क्षेत्र रहा, है ना, उसके साथ एक कर्म के बंधे हुए। अभी इन कर्मों का विभाजन कर रहे हैं, इन कर्मों का, है ना, इन कर्मों में बोल रहे हैं कि आठ प्रकार के कर्म, ठीक है। किन की जाति हो गई, आठ प्रकार की। अपने दिगंबर जैनों में नहीं बंटवारा है, नहीं, ये हुमड़ है, ये नरसिंहपुरा है, ये पोरवाल, ये क्या है भगेरवाल है, ये क्या है खंडेलवाल है, और ये के नहीं, तो ये क्या है दिगंबर जैन है कि नहीं, सब ये तो सब दिगंबर जैन है, फिर ये क्या हो गए है, जो बंटवारा हो गए, तो ऐसे ही है। तो ये सब कर्म किस आधार से कर्म कहे, क्योंकि आत्मा के प्रदेश के साथ एक क्षेत्र है, स्थिति लिए हुए और कार्य कारण बना है, इसलिए कर्म बंद है। अब इन कर्म बंद में आठ प्रकार के कर्म बांटे है ना, उसमें आठ प्रकार के कर्म किस हिसाब से बांटे, उनके काम के बंटवारे के आधार से। तो वो क्या करते हैं कि उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से, किसके आधार से बांटे, उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से। जब ज्ञानावरण कर्म का आवरण होता है तो क्या होता है, और क्षयोपशम होता है तो क्या होता है, दर्शनावरण का आवरण होता है तब क्या होता है, और क्षयोपशम होता है तो क्या होता है, है ना। मोहनी का जब उदय होता है तब क्या होता है, और मोहनी का जब उपशम क्षय क्षयोपशम होता है तब क्या होता है ना। ऐसे ही अंतराय का, ऐसे एक एक कर्म की अभी यहां चर्चा चलेगी, ठीक है। तो अभी विभाजन किसका कर रहे हैं अपन, ये जो कर्म है उनमें आठ भाग करें, ठीक है। नाम तो आप सबको पता ही है आठों के, ठीक है। कौन बताएगा घात्या कर्म के नाम, ये तो सब पुराने पुराने, अब कोई नए में से बता दो आप, कौन बताएगा नए में से नाम, चार चार ही तो नाम बताने हैं आपको, बहुत कठिन भी नहीं है, आपने सबने पाठशाला में पढ़े होंगे, आपके समय तक तो पाठशाला चली है ना कजावस्ता, नहीं, क्या क्या नाम है, अंतराय, ये चार कर्म क्या कहलाते हैं, घातिया कर्म कहलाते हैं। और इनका नाम घातिया क्यों रखा, ये जीव के स्वभाव का घात करते हैं, ये शब्द बराबर याद रखना, क्योंकि टोडरमल जी साहब इसको भी स्पष्ट करेंगे, घात किसको कहना, अपने जगत में घात कहना मारने को कहते हैं, नहीं होता मेरे घात टल गई, ऐसा आपके इधर नहीं चलती ये बात, चलती है, है? मैं नदी में नहाने गया और डूबते डूबते बच गया, तो क्या बोले, मेरे एक घात टल गई, घात टल गई मतलब है? मरते मरते बच गया, ठीक है, तो मर जाता तो घात हो जाता, जगत में ऐसे ही होता ना, घात मतलब मर जाता। लेकिन यहां घातिया कर्म किसको कहते हैं, वो टोटल मल्ली साहब आगे स्पष्ट करेंगे किसको घात कहना, अभी तो यहां आप इतना याद रखो कि जीव के स्वभाव का जो घात करते हैं उनको घातिया कर्म कहते हैं। किस घातिया कर्म की क्या परिभाषा है, जीव के स्वभाव का जो घात करते हैं। तो घात कैसे करते हैं, तो ये याद रखना है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्या याद रखना है अपने को, निमित्त नैमित्तिक, सभी कर्म में ये स्थिति है, बराबर याद रखना, इस पहले पैराग्राफ को भूल मत जाना कि इनमें कार्य कारण पना है, करते कुछ नहीं है, कर्म अपने में है, आत्मा अपने में है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि दोनों का काल एक होता ही होता है, इसलिए उनमें कार्य कारण पना घटता है ना। इसकी चर्चा अपन अब कल करेंगे।